अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई एम ज़ीशान अली मुसानी। आज हम एक नई वीडियो में हाजिर है। आपको पता होगा पूरे पाकिस्तान में डीकोड वालों ने नंबर वन आईफोन कंपनी को बीट करने के लिए ज़बरदस्त मोबाइल माशाल्लाह लॉन्च कर दिया मार्केट में। पाकिस्तान की मार्केट को मद्देनज़र रखते हुए वीवो वालों ने प्लान किया था और डीकोड वालों ने प्लान किया था कि हम ऐसा मोबाइल लेकर आए मार्केट में कस्टमर के लिए कि कम बजट में बिल्कुल ज़बरदस्त मोबाइल हो, आउट क्लास की रिज़ल्ट हो। इसमें 7 GB रैम है, 64 GB रोम है, 5000 mAh बैटरी है, फेस लॉक है, फिंगरप्रिंट है, स्लो मोशन है, नाइट मोड है, फास्ट चार्जिंग है। इसमें ज़बरदस्त बात यह थी कि इन्होंने टाइप सी चार्जिंग केबल के साथ ये मोबाइल लॉन्च किया। 13 MP कैमरा है, 64 GB रोम है इसका, 6.52 IPS HD+ स्क्रीन है, G37 का ऑक्टा कोर का 2.3 GHz का प्रोसेसर है, 4 GB रैम है, 3 GB एक्स्ट्रा रैम दी है, 5000 mAh बैटरी दी है। 4 colors ने कंपनी ने मोबाइल लॉन्च किया, माशाल्लाह वन ऑफ द वंडरफुल मोबाइल है। आए चलते हैं इसकी ओपनिंग करते हैं, तब तक आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें मूसानी 110। तो आए चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसकी ओपनिंग करते हैं। लुक इसका डिज़ाइन बिल्कुल आईफोन की तरह है, काफ़ी लोग पसंद करते हैं कि हम आईफोन चलाएं। मैं उनको मशवरा दूंगा एक पीछे से अच्छा कवर लगा ले, यहाँ पे एप्पल का लोगो लगा ले, ऐसा लगेगा कि आप आईफोन मोबाइल चला रहे हैं। इसमें 3-4 colors मिल जाएंगे माशाल्लाह आपको। ये देखें इनका वाइट कलर भी है, ज़बरदस्त लुक है। काफ़ी कस्टमर को कहेंगे अगर आप आईफोन यूज़र हैं या एंड्रॉयड यूज़र हैं तो एक मोबाइल 30,000 के बजट में ये मोबाइल ज़रूर अपने साथ यूज़ करें। इसमें हम आपको एज अ गिफ्ट में इसके साथ हम न्यू लॉन्चिंग में मोबाइल में इसमें आपको एयरबड्स हम गिफ्ट देंगे। कस्टमर इसके साथ हमसे एयरबड्स ले सकते हैं, कस्टमर बड़ा खुश होगा क्योंकि एयरबड्स की आजकल बड़ी डिमांड चल रही बाज़ार में। हम इंशाल्लाह एक एयरबड्स भी कस्टमर को गिफ्ट देंगे, वो सुबह से शाम तक अगर कहीं पे जॉब पे बाइक पे कार में जा रहे हैं तो ईज़िली अपनी कॉल्स वगैरह अटेंड कर सकते हैं, अपना म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हैं जो वो लाइक करते हैं। तो तब तक आप अपने दोस्त ज़ीशान अली मूसानी और मुइज़ अली के साथ सबको दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो में नए मोबाइल के साथ नए जगह पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।